पंजाब की धरती तो उठी जिसके मोढ़े नाल मोढ़ा हरियाणा ने जोड़िया ते अज पूरे भारत दीआं वख-वख स्टेटां चों किसान मजदूर दिल्ली की धरती ते पहुंचे है। अज केंद्र सरकार नूं देख लैणा चाहीदा है। मैं पिछले दिनां च भी इस किसान संघर्ष दे विच शामिल होके एक गल कही सी, अज दुबारा तुहाडे नाल सांझी करां कि अज भावे सरकार पक्षी मीडिया भावे नक्सली कह दे, खालिस्तानी कह दे, माओवादी कह दे, कुछ कह के इस संघर्ष नूं बदनाम करना चाहे, अज वो इस काम दे विच सफल नहीं होंगे, क्योंकि अज सारे देश के किसान इकट्ठे हो चुके हैं, मजदूर इकट्ठे हो चुके हैं, वह केंद्र दीआं इन्हां नीतियां नूं समझ चुके हैं कि इन्हां गल्लां दे नाल साडे च दराड़ पैदा करनी चाहते। जिवें पिछले दिनी SYL सतलुज जमुना लिंक नहर के मुद्दे से हरियाणा दे विच हरियाणा पंजाब नूं वख करन दी कोशिश की गई, पर तुहाडी एकता ने उस कोशिश नूं नकाम कर दिता। किसानां ने केंद्र नूं कह दिता कि जे पानी के मसले ते साडा कोई वखरेवा होवेगा असीं बह के हल कर लवांगे, सियासी लोकां दी लोड़ नहीं, जे जमीनां रहणगियां ते पानी दी गल कर लांगे। जे जमीनां ही कारपोरेट घराणियां नूं देण दी तुसीं सोच लई है ते सानूं पानी दे मुद्दे ते लड़ांदे क्यों? पर सरकार नूं समझ लैणा चाहीदा है कि पंजाब दे किसान चौल लैके चले, हरियाणे दे किसानां ने दुध पाया, ताजा दुध हरियाणे चो रोजाना इत्थे आ रहा है। हुण दूजियां स्टेटां तो कोई यूपी तो काजू लैके आ रहा, तो मध्य प्रदेश तो बदाम लैके आ रहा है, कोई महाराष्ट्र तो आ रहा है, कोई आंध्र प्रदेश तो आ रहा है ड्राई फ्रूट लैके। आ दिल्ली दे बार्डरां दे उत्ते इन्हां किसानां मजदूरां ते पूरे भारत दे किसानां दी खीर बन चुकी है, एक सांझी खीर, ते सारे रल के इत्थे मोढ़े नाल मोढ़ा जोड़ के, इत्थे कोई धर्म दी गल नहीं, इत्थे कोई पार्टी दी गल नहीं, धड़े दी गल नहीं, इत्थे जात गोत नसल दी गल नहीं, इत्थे सारे आ संयुक्त मोर्चा किसानां ने सारिया जथेबंदियां वालों स्टेज लगी है। इत्थे कोई अल्लाह अकबर भी कहिंदा ते कोई जय शिया राम भी कहिंदा, इत्थे कोई फतेह भी गजांदा, आपो अपने धर्म का नारा सारे बुलंद करदे, किसे ते पाबंदी नहीं, पर गल इत्थे सिर्फ किसान मजदूर एकता किसानी हक्कां दी है। सारे आपो अपने परमात्मा नूं अपने धर्म नूं सिजदा करदे होए एकता दे नाल अज इत्थे इन्हां काले कानूनां दे खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। केंद्र सरकार नूं सोच लेना चाहीदा है कि हुण एक सांझी खीर बन चुकी है, सारे देश दे लोक, देश दे किसान इकट्ठे हो चुके हैं, ते हुण इह जिहड़े कानून बनाए है इह वापस लैणे पैणे, इस तों बिना इन्हां ने मुड़ना नहीं है, भुलेखा छड़ दित्ता जावे। बच्चा बच्चा कह रहा कि माछीवाड़े दे सखर दे गीत विच्चों असी उठोंगे चंडी दी वार बन के, जिन्ना सूणा ने दिता ना सौण तैनू सांग देंगे खंडे दी धार बन के। अज दुनिया का बच्चा बच्चा किसान हतैशी जिहड़ा वह कह रहा है कि काले कानून छांगे जाणगे, इन्हां नूं प्रवान नहीं किया जाएगा। अज इन्हां तीन कानूनां की गल आ, कल नूं होर कानून आ जाणगे जे इन्हां नूं एक्सैप्ट किया गया, फिर परसों नूं होर आ जाणगे, ना जमीनां रहणगियां ना फसलां रहणगियां। पर यह गल ये बहादुर पंजाबी बहादुर किसान वख-वख देशां दे और वख-वख स्टेटां दे भारत दे अंदर जिहड़े इसलिए आवाज बुलंद कर रहे, हरगज होण नहीं देणगे। उहनां दे गलबात चल रही है, सतगुर दे अग्गे अरदास है सच्चे पातशाह महाराज गलबात सफल करे, केंद्र सरकार नूं मनणा पवे, किसानां दा मोर्चा सफल होवे, ते किसान इत्थों जितदे जकारे लाउंदे होए अपने घरां नूं अपने खेतां नूं परतण। केंद्र सरकार भुलेखा छड्ड दे के शायद अद्ध विचाले चले जाणगे,
लमका दिता मोर्चा ते शायद हौसले पस्त होके चले जाणगे। इन्हां दे हौसले पस्त होण वाले नहीं, इन्हां ने आज इत्थे नवा पंजाब वसा दिता, नवे पिंड वसा दिते, दिल्ली दे चार सफेरे केंद्र सरकार नूं देखणे चाहीदे आ। ते जे प्रजा जे किसान मजदूर नहीं चाहुंदे कानूनां नूं, ते फिर इन्हां कानूनां ते केंद्र सरकार नूं जिद नहीं करनी चाहीदी। मैं हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वल्लों इस मोर्चे का संपूर्ण समर्थन करदा हां।